मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करते हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली। आपको पता है कि जैसे कि हमारी हर प्रोग्राम, हर स्टार और हर पर्सनैलिटी पाकिस्तान की हो चाहे इंटरनेशनली, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुनफरद मुकाम रखती है हमारे लिए, क्योंकि हम आपसे हमेशा उन लोगों को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बहुत नाम रोशन किया होता है बल्कि अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए एक नाम और मुकाम बनाया होता है। आज एक ऐसे ही हीरो कह लें, स्टार कह लें इंडस्ट्री के, और एक ऐसे अपने काम को समझने वाले, और एक ऐसी जनरेशन जिन्होंने एक, अगर हम सक्सेस स्टोरी की बात ही करें तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बल्कि अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए बहुत ज़्यादा नाम मुकाम बनाया और बड़ा साफ सुथरा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। जब भी बात होगी पाकिस्तान में एक यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की और डिवेलपमेंट की, और स्पेशली ग्वादर की अगर मैं बात करूं तो ग्वादर को पाकिस्तान का अगर मैं दिल ना कहूं तो ये ज्यादती होगी। जी हाँ, ये पाकिस्तान का वो दिल है जो धड़कता है तो पाकिस्तान की तरक्की इंशाल्लाह इसके साथ जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान के अगर गेम चेंजर इस वक्त कोई है सी पैक, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ग्वादर के ऊपर नज़रें हैं उसके बाद, तो ग्वादर में अगर किसी बंदे ने सबसे, किसी इंसान ने सबसे पहले जाके ये इनिशिएटिव लिया, और उन हालात में जबकि ग्वादर में कोई भी डेवलपमेंट करने को तैयार नहीं था, तो एक इंसान ऐसा था जो मेरे साथ आज इस नशिस्त में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेख नदीम साहब की, जो कि क्राउन सिटी ग्वादर के चेयरमैन हैं, और अल अज़ीज़ मार्केटिंग, जो कि बहुत बड़ी मार्केटिंग नेटवर्क कंपनी है रियल इस्टेट के हवाले से, उसको भी हेड करते हैं। और आज हम जब बात करेंगे शेख नदीम साहब के बतौर डिवेलपर कि भाई उन्होंने ग्वादर को ही क्यों चूज़ किया जबकि पंजाब भी है, सुबह सरहद भी है, सिंध भी है, तो ग्वादर ऐसी क्या वजह थी कि आज इतने साल पहले शेख साहब की नज़र ग्वादर पर की क्यों थी? क्या ग्वादर वाकई उस वक्त गेम चेंजर होने जा रहा था? इसके ऊपर आज बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेरे साथ मौजूद है शेख नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शेख नदीम साहब, वेलकम टू माई शो ख्वाबों से तबीयत तक, पावर्ड बाई मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। शेख साहब, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मेरी 119 एपिसोड होने जा रही है और आज आप मेरे गेस्ट हैं, और एशियन ट्रेड टीवी की हमेशा से रवायत रही है कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हमने नेशनल इंडिया इंटरनेशनली प्रमोट किया, और हमेशा आप जैसी पर्सनैलिटी ही हमारे हीरोज़ हैं और हमारे लिए एक ऐसा मुकाम है जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया। शेख साहब, सबसे पहले मैं शुरू ही ग्वादर से करता हूँ, ठीक है? क्या आपका ख्वाब था ग्वादर, क्योंकि ग्वादर में अब तब गए थे जब ग्वादर यानी कि उस शेप में भी नहीं था जिस शेप में आज नज़र आ रहा है, तो अब थोड़ा सा पस मंजर बताइए कि क्राउन सिटी ग्वादर, और इससे पहले अगर आपने जो ग्वादर को कुछ करने का सोचा था तो आपके माइंड में ऐसा क्या था कि आपको लगता था कि आने वाले वक्त में ये वाकई रियल गेम चेंजर होगा? प्लीज़। मुझे ऐसे पता था, मैंने इंडस्ट्री चलाई है, चाइना जो ना अभी इंडस्ट्री पर टैक्स ख़त्म कर रहा है, टैक्स फ्री हो रहा है, अभी टोटल इंडस्ट्री जो है ना लगेगी यहाँ पे ग्वादर में। मैं 2015 में ग्वादर गया हूँ, मैंने वहाँ पे ज़मीन परचेज शुरू की आस्ता आस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरी अपनी सोसाइटी है वहाँ पे, 123 एकड़, माशाल्लाह, और मेन कोस्टर हाईवे पे आ रही है, दोनों तरफ फ्रंट है, मतलब कोस्टर हाईवे पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ फ्रंट है। और अब सूरत हाल ये है, अब पूरे ग्वादर में आप NOC लेने जाएँ आपको NOC नहीं मिलेगी। अब NOC मिलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट बंदा पूरी नहीं कर सकता। ये जो पुराने NOC है तकरीबन 100 है या 110 NOC है, वही चल रहे हैं।
उसके बाद नए एनओसी अब जीडीए नहीं दे रहा, जीडीए अब जो एनओसी दे रहा है वो मतलब काफ़ी दूर दे रहा है, शहर के पास ज़मीन ही नहीं है। तो अब इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है जो ग्वादर के बारे में, तो ग्वादर के हालात जो है ना, 2 माह में जब एयरपोर्ट ऑपरेशन हो जाना है तो फिर आप जब लोग डायरेक्ट जाना शुरू हो गए ना कराची से ग्वादर, फिर आप देखना ग्वादर में अब हर चीज़, अब पोर्ट ओपन है, और अभी उन्होंने मियाँ शबाशी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपनिंग की है वहाँ पे उधर अरान बॉर्डर में, वो भी माशाल्लाह काम हो रहा है। मतलब ग्वादर नहीं पकड़ा जाएगा अब, ग्वादर अगस्त सितंबर के बाद चेंज है, पहले वाला सूरत हाल नहीं है, बातें नहीं है, बातें ख़त्म हो गई, अब अमली काम शुरू होगा। तो आपको लगता है कि ग्वादर वाकई ही यानी कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है माशी तौर के ऊपर हमारा एक यानी कि एक हब होगा, और एक ऐसा हब होगा जिसमें एक ट्रेड जोन तो बन ही रहा है बहुत बड़ा, उसका नाम बन रहा है मिनी पाकिस्तान। अब ग्वादर का नाम ग्वादर नहीं रहना, मिनी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ उसमें कोई नहीं है, बाहर से फंड आने हैं, बाहर से मिलना, ग्वादर नहीं पकड़, ग्वादर जो है ना वो ये दुबई है, दुबई कुछ भी नहीं है, दुबई भी कुछ नहीं, दुबई उससे ज्यादा पर लैंड है हमारे पास, दुबई आता साइड पे। ये ग्वादर जो है ना सर, मैं जब देखा ना सर, बड़े समझाऊँ, मैं 2-3 बंदों से हमने मशवरा किया, लोग कहते थे यार आप ग्वादर में पैसे लगाए, इधर से कुछ रेत है, मैंने कहा नहीं इधर ही सब कुछ है। आप यकीन माने ग्वादर ज़रूरत है, देखो ना चाइना हमारे साथ काम कर रहा है, चाइना की ज़रूरत है, एशिया का रूट है, आपने यूरोप जाना है, कहीं जाना है, ये रूट है हमारा रूट, आप इसको नहीं छुटला सकते। ये तो बातें आज से 70-80 साल पहले बातें हो रही थी, ये ग्वादर बांध बेल्ट बांध बनना है। एक बुजुर्ग मिले मुझे वहाँ पर ग्वादर में, उन्होंने मुझे बताया, कहते मेरे बड़े, उन्होंने कहा था 80 साल पहले यार ये ऐसे बनना है, हम यकीन नहीं कर रहे। 80 साल पहले, 480 years, वो कहते हैं बस ये, मैंने कहा ये तो चाइना दूरंदेशी है, दुबई भी साइड पे है, और जो है सऊदी अरब भी साइड पे, हमारे पास तो यूरोप रूट है, आप सीधा जाएं पूरे यूरोप जहां मर्जी जाएं। अच्छा, आपका अगर मैं माजी देखूं, ठीक है, आपका एक ऐसे घराने से तल्लक है, माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम गुजरांवाला की एक मानी हुई मारूफ और समाजी भी और कारोबारी शख्सियत थे। जी, और आपने एक इंडस्ट्री एक थी आपके पास, फैन की इंडस्ट्री में से आपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और उसके बाद आपने अचानक से इतना बड़ा यू टर्न लेके आप डेवलपमेंट की तरफ आ गए, और वो भी ग्वादर में, जहाँ पर कोई सोच भी नहीं था इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर डिटेल बताइएगा। असल में ना जो सीजनी काम होता ना इंडस्ट्री वाला, सीजन में तो 4-5 माह बड़ा काम चलता है, जब आता ना आउट सीजन, उस टाइम वो जो 6 माह मैंने सोचा, मैंने कहा यार इंडस्ट्री मैंने नहीं चलानी, मेरे भाई वगैरह चला रहे हैं, मैंने कहा इंडस्ट्री मैंने नहीं चलानी। मैं 2002 में लाहौर आया हूँ, मैंने सहर साहब है खैबर ने मीन वाले, उनसे जाके मिला हूँ, बड़े अच्छे, अल्लाह ताला उनका भला करें। सहर साहब ने मुझे कहा जी शेर साहब आप मेरे साथ काम करें, फेज़ 8 में मैंने बड़ा काम किया, फेज़ 7 में, मतलब मेरे जो प्रॉपर्टी में मुझे मेरे उस्ताद जो है ना वो सहर साहब, मतलब DHA में मुझे लाने वाले वो, मैंने बड़ी ईमानदारी से बड़ा काम अच्छा किया, मैंने बाटा नहीं खेला, मैं बिजनेसमैन हूँ ना, मुझे पता है जो बंदे बाटा खेलते हैं ना या जुआ टाइप करते हैं वो भूखे रहते हैं, और वो चंद दिनों में वो बल्ले और वो वैसे ही नीचे भी गिरते हैं। मैंने देखा है, अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आज जनाब प्राडो पे है वो है, नहीं हम सदा बाहर हैं, एक जैसा अपना इक्वल चल रहा, तो हमारे पास पैसा कौन सा नया देखे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 की दहाई में इंडस्ट्री थी हमारी, ट्रेड मार्क आप अभी चल रहा है 8 लाख नंबर रजिस्टर्ड का, हमारा नंबर है 60,000 कुछ, मतलब 8,60,000 जो फैन का जो रजिस्टर्ड है 72 में हमारा रजिस्टर्ड हुआ यूरेशिया फैन। तो फिर बस ऐसे ही वो उस टाइम डिजिटल सिस्टम नहीं था, हम छोटे थे, वाल साहब की डेथ हो गई तो वो सेटअप बड़ा था, जिनसे हमने पेमेंट लेनी उन्होंने दी नहीं, पर वो लंबी कहानी है। फिर मैंने सोचा यार मैं लाहौर जा के पास, अच्छा मज़ेदार की बात है, जब मैं लाहौर आया हूँ तो प्रॉपर्टी भी उस टाइम भी बढ़ना शुरू हुई है, पहले प्रॉपर्टी तो काम नहीं था 2000 से, उस वक्त लाहौर भी डेवलप हो रहा था, लाहौर में भी डेवलपमेंट हो रही थी, DHA भी नहीं होगा, ये जहाँ पे हम बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फेज 1-2 ही होता था, विलेजेस थे सारे, गाँव वगैरह थे ऐसे। अब जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे DHA फेसिस में बैठे हैं, बड़ी रौनक है, बिल्कुल सही जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि शेख नदीम साहब को, जो कि चेयरमैन है क्राउन सिटी ग्वादर के और अल अजीज़ मार्केटिंग को हेड भी करते हैं,
इस वक्त मेरे मेहमान हैं ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप मुझे बताएं, पहले ऐसे होता था? नहीं, चार मोबाइल बेच के प्लाट आता था? तो ये अच्छी एग्जांपल आपने कोट की है। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में, जो कि पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, और आज शेख नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, शेख साहब, पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में या पाकिस्तान के जैसे हालात है, इसमें रहते हुए एज ए डिवेलपर बनना या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना बिना देखे सोचे, जिस तरह के प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है, और आप लोगों के साथ एक बड़ा टफ टाइम भी आया है तमाम डेवलपर्स के ऊपर पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट थोड़ा इस मामले में फ्रेंडली है, थोड़े से मामला बेहतर हुए, हालात बेहतर हुए, यानी कि जो नई नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, जिस तरह आपने ग्वादर में भी किया और दूसरे भी चीज़ें कर रहे हैं आप, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के अंडर जो ब्रांड्स आप, जिसको आप मार्केट भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कंपेयर करें आप प्रीवियस गवर्नमेंट से और मौजूदा गवर्नमेंट से, तो थोड़ा सा आप समझते हैं मामला बेहतर हुए? नहीं, बेहतर हुए। पहले ना ज़बरदस्ती हो रहा था काम, मैं सियासी मामले में पढ़ना नहीं चाह रहा। जी जी, पहले पता नहीं था ना, ये पकड़ लो ये भी पकड़ लो, ऐसे काम नहीं चलते। काम चलते हैं, हमने अपनी आमदनी सोचनी पहले। इन्होंने क्या कि पिछली गवर्नमेंट ने आमदनी बंद कर दी लोगों को, जब जो काम करने वाले बंदे उनको नोटिस भेज दिए, वो परेशान। इसमें ये जो नई गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर स्टेबल होगी मार्केट, अब दो तीन हफ्ते दस दिन से मार्केट बेहतर है, बेहतर बेहतर, अब मजीद और बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स है वो रीसेलिंग पर भी है और चल भी रहे, काम नया इन्वेस्टर भी आ गया। हाँ, काम हो रहा है। मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रही है शेख साहब, और आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, खरीदार नई मार्केट में, नहीं नहीं नहीं, तो ये थोड़ा सा डिफाइन करें। जो प्लाट अभी भी 35-40 लाख रुपए का मिल जाता है, 5 बल्ले का, 32 लाख का प्लाट लाहौर सिटी में मिल जाता है, डेवलप है, फौरी बनाए, हर चीज ऊपर चलेगी, मोबाइल आपके 5-5-6-6 लाख रुपए के होते हैं, तो प्लाट सर कुछ भी नहीं प्राइस है। ये तो मेरे हिसाब से, यकीन माने, मेरे हिसाब से ये प्लाट 1 करोड़ रुपये का होना चाहिए कम अज़ कम, जो हर चीज़ प्राइस है। मोबाइल आप लेने जाओ 5.5-6 लाख रुपए का, 4 मोबाइल उतने का आप प्लाट आ जाता है। ऐसे आप मुझे बताएं, पहले ऐसे होता था? नहीं, 4 मोबाइल बेच के प्लाट आता था? तो ये अच्छी एग्जाम्पल आपने कोट की है। जी, हकीकत बता रहा हूँ, 4 मोबाइल बेचो प्लाट ले लो, अभी फेस 4 में प्लाट है 19 लाख रुपए का, न्यू लॉ सिटी में बनाओ। मैं कहता हूँ इससे सस्ता क्या चाहिए, और LDA प्रूफ है, इससे सस्ती खामोशी है, इससे सस्ती खामोशी है। 3 मोबाइल बेचो प्लाट ले लो, 4 मोबाइल बेचो तो 5 मोबाइल का प्लाट ले लो, मतलब ये हकीकत है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडस्ट्री चलाई है, हम कारोबारी लोग हैं, हम कोई ऐसे नहीं मुँह उठा के चल प्रॉपर्टी में आए, बिजनेस मैन है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज साहब से बड़ा अच्छा काम किया है, रफ़ी भट्ट साहब से, वो बड़े अच्छे लेन देन में, यकीन मानिए मैं रियली उनसे साथ बड़ा काम किया। हमने ग्रीन पाम से ना टोटल हमने सारा प्लाट उनके बेचे, BTN माशाल्लाह, और इम्तियाज हमने हमें बड़ा अच्छा, और यही मजा होता ना जब पैसे देने की बारी आती है ना, फिर पता चलता है वो बिल्डर कैसा है, बाद में चलता है ना, कोई बंदा आपके पास आता है काम करने के लिए, वो काम करने के बाद ही पेमेंट मांगेगा ना, फिर ही मुझे पता चलेगा बंदा वो अच्छा है या बुरा है, गुड। मैं कहता हूँ इम्तियाज साहब, अच्छा इम्तियाज साहब ने मुझे एक और बात बताई है, मैं इम्तियाज साहब की बात हमेशा कोट करता हूँ कसम से, वो कहते हैं शेख नदीम डेवलपर 10 साल से पहले नहीं बनता, मैं अभी मुझे 5 साल हुए हैं, मुझे 5-6 साल हुए हैं, कहते 10 साल से पहले डेवलपर बनता ही नहीं। मैं वो कैसे, कहते यार ज़मीन लेनी है, अब नीचे आना है, फिर बाद में दोबारा उसमें हालात चेंज होते हैं, फिर वो ज़मीन बचती है, उसमें पैसा जाता है, फिर पीछे से आगे ज़मीन खरीदता है, फिर डेवलपर बनता है। आप देखिए ना, अब ले सिटी की मिसाल ले लें, अभी डेवलपर बना वो बड़ा, पहले नहीं था, गोहर जहाज़ पहले बड़ी उन्होंने मार खाई है, मुझे पता है, बड़े डेड रहे। आप देख लें, बड़ा लॉस किया उन्होंने, अब डीएचए के लेकिन आई थिंक वो CSR के काम में जब चले गए, तो जब अल्लाह ताला से कोई चीज़ का बिजनेस करे तो फिर ऑब्वियसली उसका रिवार्ड मिलता है, और गौहर एजाज साहब नो डाउट इस वक्त CSR के हवाले से पाकिस्तान में ना से बहुत ज़्यादा NGOs और बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों में से हमारे वो जी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एजाज साहब से मैं मिला हूँ, बड़े अच्छे हैं, और मैंने उनकी बात नोट की, उनको भी सर 10 साल लग गए डेवलपर, अब बन गए, अब तो बड़े डेवलपरों में शामिल हो गए ना। इम्तियाज साहब की बात में बढ़ावा था, मैं तो कारोबारी, मुझे आपके रूहानी उस्ताद कैसे, रूहानी उस्ताद है जी, मैं बड़ा मेरे उस्ताद हैं मियां याद साहब, उनके जो इम्तियाज साहब के बाजे हैं, वो भी लेन देन के बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। उन्होंने लॉ बड़ी डेवलपमेंट की, उन्होंने न्यू लॉ सिटी पूरा डेवलप, और फेज 1, 2, 3, 4, और यकीन माने चारों डेवलप करनी है। NFC 2 खाली पड़ी है सारी, NFC 2 ये जनाब
फुल तैयार है, न्यू लॉर्डशिप मेरे हिसाब से 5-6-7-8 साल में डेवलप हुई, बड़ी बात है। अच्छा नदीम साहब, आपकी जो जो इंडस्ट्री है ना, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कह रहे, एज ए डेवलपर मैं बात जब कर रहा हूँ, इस पर नेक नामी कमाना बहुत मुश्किल काम है और नेक नामी कमाने वाले लोग बहुत कम नजर आएंगे आपको, क्योंकि इस पर फ्रॉड का भी आंसर बहुत ज़्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें, आपका बहुत ज़्यादा क्लाइंटिस जो है 70% ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो बड़े से बड़ा ग्रुप हो, छोटे से छोटा ग्रुप हो, और वो टारगेट करता है ओवरसीज को, और नो डाउट ओवरसीज से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलता है, लेकिन ज्यादती भी ओवरसीज जो है उनके साथ होती है। तो आप ये समझते हैं कि इस तरह की शिकायत जो है, बहुत सारे, मैं किसी का नेम फॉग नहीं करूँगा, आपको पता है आप इस इंडस्ट्री से हैं, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्लॉट्स वास इंडस्ट्रीज़ में नहीं मिले, वास सोसाइटीज़ में नहीं मिले, केसेस भी हुए, बहुत जगहों पर गए, और प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने एक जगह पर ये कोर्ट भी बात की थी कि जब मेरे बिनोई के प्लाट नहीं मिल सकता, या उनके प्लाट के ऊपर कब्जा हो सकता है, या इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन किस्म का लैक है, तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, इस इंडस्ट्री को कैसे सिक्योर करके इसको एक सनत का दर्जा दिया जाए, प्लीज़? आप यकीन माने, रियल सी में बताऊँ, मुझे 20 साल हो गए ये प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का काम कर, मैंने आज तक नहीं सुना, जिस ब्रांड में मैंने काम किया ना, मैंने आज तक नहीं सुना अभी कब्ज़ा होगा या फ्रॉड होगा, मैंने नहीं सुना। वो पता नहीं किसकी बात कह रहे हैं खान साहब, मेरी समझ से बात, मैं बता रहा हूँ 20 साल से मैं बतौर इंडस्ट्री बात, ये नहीं, मैं नहीं, ऐसे लोग नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब कोई सोसाइटी देख लें, न्यू यूनिवर्सिटी है कोई, आज तक डब्ल्यू नहीं हुई, यकीन माने मैं कसम खाने होते हैं, ओके, न्यू यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी सोसाइटी है, आज तक किसी चीज़ में फर्क नहीं पड़ा, ना उन्होंने कभी नंबर चेंज किया है, ना उन्होंने कभी प्लाट में जाने के, साफ सुथरे साफ सुथरा जिन लोगों से आपने काम किया, हाँ नहीं, और दूसरा इम्तियाज़ साहब से काम किया, वो भी साफ सुथरे लोग हैं, और चनार बाग में बस समय थोड़ा सा हमें परेशानी हुई थी, वो भी हमने यकीन माने, हम कारोबारी लोग हैं, हमने कहा आप डिलीवर करो लोगों को, जो पैसे मांगता पैसे दो, जो बंदा प्लाट लेना चाहता प्लाट दो, ये है दीनी। हमने यकीन माने अपना 12 करोड़ रुपये का लॉस करके हमने कहा लोगों को डिलीवर करो, हमारा भी नाम बदनाम हो रहा था, यकीन माने 12 करोड़ रुपये का लॉस करके मैंने टिक किया है। मैंने कहा नहीं, वो बड़ा खुश है, शाह साहब भी खुश हो गए, उन कहते हैं मेरा दिल मुतमिन हो गया, जिन्होंने प्लाट लेना प्लाट लेने, जिन्होंने पैसे लेना पैसे ले, ये दीनी है, दीनी मामला, और शाह माशाल्लाह हम सबसे मुतमिन हैं, हमें पता है लोगों को प्लाट चाहिए प्लाट मिले, जिन्होंने पैसे लेने पैसे ले। बहुत अच्छी बात है, जब आप जैसे अच्छे काम करने वाले लोग हैं इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली फिर इंडस्ट्री को आगे जाना चाहिए, और मेरी कोशिश होती है लिटिगेशन से ना, लिटिगेशन को बचा जाए। अच्छा लिटिगेशन से अल्लाह ताला माफ करे, इससे पनाह मांगनी चाहिए। मैंने शाह साहब को समझाया, शाह साहब की मेहरबानी, शाह साहब ने कहा यार मेरा बड़ा लॉस होता है, मैं क्या लॉस हो रहा था, शाह साहब की मेहरबानी, उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं, ऐसे कर, दलेर बंदे हैं, हमने कहा जी आपने कुर्बानी दी, हम भी अपने सारे पैसे वापस देते हैं, ये भी छोड़ें ये भी पकड़ो, सर यही चीज़ है, बहुत साइडेड चलता है, वरना अगर हम लिटिगेशन में पड़े रहते लोगों को कुछ, अब सबको पैसे प्लाट मिल गए, जिन्होंने पैसे लेने पैसे ले लिए रिफंड, जिन्होंने प्लाट लेने प्लाट मतलब मिल रहे हैं, नंबर अभी लाट हो जाने और 15 दिन दो हफ्ते में चले, बहुत अच्छी बात है। शेख साहब, बड़ा अहम क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या प्लान्स है, ख्वाब, वो जो ख्वाब बचपन में शेख नदीम साहब ने देखे थे, वो ख्वाबों की तबील मिली है कि अभी वो ख्वाबों का सफ़र जारी है? नहीं, अब मैंने ना, मेरा ख्वाब था अल्लाह ताला उसको पूरा करे, मैंने मार्केटिंग बड़ी की है, मैंने अभी 20-25 हज़ार प्लाट बेचा है ये 7-8 साल में ना। अच्छा, मतलब हम लाइक ये पंजाब में, लाहौर में, पंजाब में 20-25 हज़ार प्लाट, ओके, नॉट इजी जॉब, ग्वादर, सात ग्वादर में, ग्वादर कुछ थोड़ा सा मैंने बताया ना इशू बन गया, वो चनार बाग का, फिर सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट करवाई, अब हम फ्री हैं। मैंने अपने बच्चों को यही कहता हूँ, बेटा थोड़ा काम करो, सुथरा काम, जिसमें आप फ्रंट में नहीं है ना, वो काम ना करो, आप 2 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, सब मिलो, मुतमिन हो, अगर आपको थोड़ा सा अभी यकीन माने, बात हो रही थी इस्लामाबाद, हम एक प्रोजेक्ट विजिट करने जा रहे हैं सुबह, बेटे ने कहा पापा अगर 2% भी मुझे हुआ ना, मैं रास्ते में अभी मैं नहीं काम करूंगा, मैं खुश हुआ हूँ। गुड, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तरबियत का असर है, तरबियत का। मैंने कहा 110% होगा तो काम करेंगे, 100 से अगर 2% भी काम हुआ नहीं करेंगे, ठीक है, गुड, इससे पापा मैं मुतमिन होऊंगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, वेरी, मैं कसम से बोल मैं खुश हुआ हूं। शेख साहब, यही खानदानी लोगों की कारोबारी, जैसे मैंने आपके फादर की बात की है, तो ऑब्वियसली आपकी सेकंड जनरेशन है, तो आगे जब आपने उनको डिलीवर करना है, तो वही चीज़ जो तरबियत में, जो डीएनए में होती है,
हमारे यहाँ पंजाब की एक रवायात है तो वही औलाद लेके चलती है। मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसे जो रेल में बिजनेसमैन उन लोगों से मिलके। ये मास्टर इंडस्ट्री वाले ना, मास्टर इंडस्ट्री वाले मुझे अच्छी तरह याद है, फैसल इंडस्ट्री वाले राव साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, राणा राव साहब जी जी जी, और मेरे वाल साहब शेख मनीर अहमद, मैं छोटा सा था, और साथ ही बाजवा साहब थे मैगना सेंट्री वाले, बड़े मशहूर जी जी, रियाज बाजवा। अच्छा, जब हम हमारा स्टॉल लगता था फोर्ट्रेस में, संती नुमाइश में, तरीकी नुमाइश, और हमारे यकीन मानो इतना लाइन लगी होती थी, इतना माशाल्लाह काम होता था। 82 में वापसी आए ना तो 84 में मेरा मैं भी साथ था, कहते ये कौन सा मास्टर है, सारे कह रहे राव साहब भी उस टाइम हजार थे, रियाज बाजवा साहब, मेरे वाल साहब, मैं क्या स्कूल से है मास्टर, देखो ना मास्टर कोई नाम नहीं है, देखो आज अल्लाह ताला ने मास्टर ब्रांड बना कर दिया, मास्टर मास्टर कर दिया। वो कहते ये कहना मास्टर है, मतलब ऐसे बात कर रहे, मुझे याद है आज आज भी, देखो वो सारे नहीं उस मकाम पर पहुँचे जिस मकाम पर मास्टर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये कामयाबी की जमानत होती है एक आपकी क्रेडिबिलिटी, जब क्रेडिबिलिटी होगी अच्छी तो आपकी कामयाबी भी यकीनन हो जाती है, और हालात जैसे भी हो जो एग्जीक्यूट करता है, जो डिलीवर करता है, अल्लाह ताला उसको इज्जत देता है। अच्छा, दूसरे जो ना जो जो होते ना सट्टेबाज बंदे, उनके लिए परेशानी होती है, उनके लिए मार्केट स्लो होती है, जो बंदे काम करने वाले बंदे जो रेगुलर उनके लिए काम चलता रहता है, उनको ख्वाबों की तबीर भी मिलती है। क्या बात है, नियमन कहते होते एक बंदा 15 बंदों को ना लेके चलता है, मतलब बताता है आपकी एडवर्टाइज करता है ये बंदा ठीक है, एक बंदा 15 बंदों को खराब करता है यार, इसी का ये मेमन कहते होते ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये मेमन सैन लखानी साहब के साथ में गया ना उधर कराची में, उधर श्रीलंका में, ये हनैल लखानी के जो वाल साहब थे, सारे उनको बता रहे हैं जी, सारे सब उनको कह रहे हैं जी, ये जी आपके वाल साहब की वजह से मैं ऐसे हूँ, सारे ऐसे तारफ हो रहा है। जब मेरे मैं सामने बैठा ना, कहते ये जो बंदा बैठा इसके वाल साहब की वजह मैं बन रहा, वो कहते ये तो सबसे ऊपर है, मतलब ये तो सबसे, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे वाल साहब की उसने बड़ी तारीफ की, कहते यार आपके वाल साहब के पास गया मैंने, उन्होंने मुझे पंखे दिए, मुझे उन्होंने तावन चलाया, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू फील प्राउडली, यानी कि असल बात ये जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं शेख नदीम साहब, नो डाउट के बहुत बड़ा उन्होंने काम किए हैं और बड़े क्रेडिबल यानी पर्सन है, और ये इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम लेते हैं एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाय मॉडर्स्ट रियल ग्रुप ऑफ कंपनीज, और शेख नदीम साहब चेयरमैन क्राउन सिटी ग्वादर और अल अज़ीज़ मार्केटिंग के चेयरमैन भी है, और इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर मार्केटिंग जो है अल अज़ीज़ ग्रुप शेख बिलाल साहब मौजूद हैं जी जी, और जो के बेटे भी हैं शेख नदीम साहब के और सेकंड जनरेशन है, तो हम उनसे जानेंगे कि इस फील्ड को वो किस तरह से लेते हैं और आगे क्या क्या उनके प्लान्स हैं। शेख साहब, आपने सुनी बातें अपने दादा की, उसके बाद आपके वालिद की लेगेसी को, आपके वालिद अपने अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, आगे से आप हैं, तो अभी आप अल अज़ीज़ ग्रुप को देख रहे हैं, थोड़ा सा हमारे सुनने वाले को देखने वाले को देखे कि अल अज़ीज़ ग्रुप इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से आप देखते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। मतलब आज से अगर हम 10 साल पहले जाएँ तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, जो सोशल मीडिया था, ये सब कुछ नहीं था, तो अब रियल एस्टेट की जो जो उसका बिज़नेस मॉडल है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो अगर अभी हम बात करें तो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, ठीक है, रियल एस्टेट में खास तौर पे, ठीक है। मैं बेसिकली DHA में और उसके अलावा लाहौर में काफ़ी जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, नॉन सोसाइटी था, उनकी मार्केटिंग का मैं उनके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर मार्केटिंग उनकी हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास इतिहाद टाउन शामिल है, बहुत अच्छा ब्रांड है इतिहाद टाउन, इतिहाद टाउन के जो डेवलपर्स हैं चौधरी मियाँ मुनीर साहब हैं, और उनका जो है उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उनके पास रहीमिया गार्डन में है, इतिहाद गार्डन्स है, सुखचंद गार्डन्स है उनके पास, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स वो करें, अब उनके साथ हम अटैच हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं एंड यूज़र्स के साथ प्रॉपर, ठीक है, हमारी एक प्रॉपर मार्केटिंग टीम है, ठीक है, और हम उनके साथ जो है ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम हैंडल करते हैं, लाइक उसको हम ऐसे रखें देखें कि सेल करते हैं आप, बिल्कुल हम सेल करते हैं, यस, थ्रू मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से।
तो सर आप चूँकि वही बात है कि अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेके आपने आगे चलना है, बिल्कुल आपके वालिद का एक ख्वाब था या ख्वाब है कि भी अच्छा सोचो, अच्छा डिलीवर करो, बिल्कुल और नेक नामी बनाइए। बिल्कुल तो इस आप आगे से क्या किस तरह से समझते हैं कि इस चीज़ को रवायत को कायम रखेंगे आप? सर देखें, बेसिकली आपको सबसे पहले किसी भी ब्रांड के साथ काम करना है ना, तो आपने क्रेडिबिलिटी उनकी देखनी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं अपना प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहा हूँ किसी सोसाइटी से लेके, तो मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी का पहले पता होना चाहिए। जैसे अब अगर हम बात करते हैं जैसे डी एच ए, अब डी एच ए ने भी डिलीवर करना है, ठीक है, अच्छा ब्रांड है, भेड़िया टाउन अच्छा ब्रांड है, हम इतिहाद टाउन के साथ कह रहे हैं, ठीक है। तो अब इतिहाद टाउन ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको टाइमली डिलीवर करने हैं, उसमें कुछ स्कैम्स भी होने चाहिए, उनकी जो जितने भी जो एलडी अप्रूवल्स हैं वो सारी चीज़ें टाइम से पहले उनके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार अगर ये सब चीज़ें ऑन द लाइन है फिर रियल एस्टेट का हम फिर हम काम करते हैं इस तरह से। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने यानी कि मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपके अदारे के साथ है कि अलअज़ीज़ मार्केटिंग के पास और भी प्रोजेक्ट आए हैं, और आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं इस फील्ड में आके जो कि एक सनत का दर्जा जिसको हम कहें, अगर आप इंडस्ट्री का कहें दर्जा, तो ये बात गलत नहीं होगी, तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो इकबाल भी जो इकबाल ने भी शेर कहा था आप लोगों के लिए कहा था कि उम्मीद बहार रख इसी सहनवर से। तो जनाब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। और हर दिल अजीज शख्सियत लाहौर की जानी पहचानी बल्कि पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम शेख नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, ख्वाबों की तबीर तो इंसान को मिलती है और ये सिलसिला जारी रहता है, जिस जो इंसान ख्वाब देखना जिस यानी कि सोचना बंद कर देता है उसकी तमीर और तरक्की भी रुक जाती है। तो शेख साहब आगे क्या प्लान्स हैं? सबसे पहले तो मजूसी वैसे बना है। जी हाँ, हमारे दीन में भी हमारा दीन कहता है मजूसी, अल्लाह पाक कहते हैं ये मुझे तुम्हारा उस बेला अंडरएस्टिमेट कर रहा है, तो मनुष्य मजूस कभी नहीं होना, अल्लाह की रहमत से कभी मजूस नहीं होना, और काम करते जाना चाहिए। मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे एक बताया था, कहते बेटा मैं भी छोटे से डेवलपमेंट करता था, जैसे वो ना छोटे छोटे पुराने ज़माने में कहते थे यार वो छोटे छोटे पाँच पाँच मल्ले के प्लाट, दस दस मल्ले के प्लाट बेच रहे, ज़मीन सस्ती होती थी, एंड पे ना उन्होंने छोड़ दिया। मेरे वालद साहब ने कहा अब इसको आप ना छोड़ दें, कोई पाँच मल्ले कोई दस मल्ले छोटा सा बच जाना, ज़मीन में नहीं रहना। वो जब बढ़ापा हुआ ना वो जनाब पता रेट वो चले गए, वो जो पहले वो एसेट बन गए, एसेट बन गए। अच्छा वो समझो उनको उनको ऐसा था जैसे उनको पेंशन आ रही है। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, 2000 कभी 2 लाख आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है। हमने कहा यार ये कैसा, कहाँ से पैसे आ रहे हैं दादा? वो हमें उल्टा दे रहे हैं, कभी हमसे पैसे मांगे नहीं। उन्होंने भी मुझे बताया, उन्होंने कहा बेटा तुम ना प्रॉपर्टी का काम शुरू करना। मैंने इंडस्ट्रियल था, मैंने अपने दादा बू की बात मानी, मैंने कहा ओ हो, असल में ना अपने काम का मज़ा क्या है मैं आप बताता हूँ। अपने काम का असल मज़ा ये, हमारे पास मिसाल 200 एकड़ ज़मीन है, सारी तो नहीं बेचता, 150 एकड़ बेच लेंगे, 25-30 एकड़ बच जाने, वो आपकी पड़ी रहनी, 10 साल बाद बेचेंगे तो वो आपके वो मल्टीप्लाई हो जानी है, वो पैसा वैल्यू उसकी बढ़नी है, वैल्यू बढ़नी है, ये समझो आपके बढ़ापे के लिए बढ़ी है। हुसैन खानी साहब ने मुझे कहा बेटा जब आप, हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाएंगे आप ना, कहते बेटा जब आप ज़मीन में तो प्लाट आप 50 लाख रुपए वाला प्लाट आप 1.5 करोड़ का नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा 60 का बेच लोगे 50 वाला, नहीं पता हो 70 का बेच लोगे, मिसाल दे रहा हूँ, 1.5 करोड़ का नहीं बेच सकते। कहते जब आप बिल्डिंग बनाते हो ना, बिल्डिंग बनाने का मकसद है आपने सिर्फ ऐसे ऐसे करना है बनाना है, तो आप वही चीज़ आप 3 करोड़ की बेच रहे, उसमें बड़ी बरकत है तैयार चीज़ में, और खाम माल आपको चादर मिली है, मैं यकीन माने 7 रुपये केजी चादर लेता रहा हूँ लोहे की, 7 रुपये केजी, जो अनैमल तार थी वो 60 रुपये केजी लेता था, 60 रुपये केजी, आई थिंक 70 before 70, नहीं 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 82 मतलब 60 रुपये केजी चादर, 007 इलेक्ट्रिक चीट आती थी, 7 रुपये केजी, अल्मोनियम था ना, अल्मोनियम जो नरम अल्मोनियम होता था पंखे में जो जिसपे हम बनाते थे, 1200 रुपया में 40 किलो, 1200 रुपये मन, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ 82-84 की बातें बता रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे रहा है, अभी आके थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे शुरू हुई, पहले तो प्राइस बढ़ती नहीं थी,
5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल प्राइस वही रहती है। इंफ्लेशन की वजह से अभी वो प्राइसेस इंक्रीज, ये थोड़ा सा माफिया इसमें थोड़ा आया है ट्रेडिंग में, वो मतलब पहले तो ये चीज नहीं थी। ये 2000 के बाद ही चीजें शुरू हो गई सर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन शेख से, बड़े इंपॉर्टेंट है आम आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, आजकल के दौर में भी कोई आम इंसान ख्वाब देख सकता है अपने घर का और वो ले सकता है घर? हाँ जी ले सकते हैं। किस सोसाइटी में जाए और कहाँ ले? हाँ ये बहुत, मैं बताता हूँ जी, अगर उसके पास ना मैंने के लिए आपको बताया 18 लाख रुपए में प्लाट मिल जाता है फेज 4 में, न्यू लॉन सिटी में फेज 4। ठीक, सुबह घर बनाए पोजीशन के साथ, पोजीशन 18 लाख में, 18 लाख, 5 मरला, 5 मरला सर। इससे सस्ता फिर मैंने आपको बताया 3 मोबाइलों की प्राइस है। 3 मोबाइल, मैं यकीन माने आपने बहुत अच्छी एग्जांपल कोड की है, 3 मोबाइलों की प्राइस है। तो इससे सस्ता फिर क्या फिर मिले बताए ना, फिर इससे सस्ता तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और सोसाइटी भी A1, रोड भी अच्छे हैं, पानी बिजली हर चीज, स्वी गैस भी जो है वो भी आने वाला बहर आ गया होगा मेरे हिसाब से, हर चीज़ अच्छी है। बड़े बड़े रोड बनाए हैं उन्होंने मियाँ याद साहब ने, बड़े बड़े अच्छी डेवलपमेंट की हुई है, और दिल से, और दिल से मैं कहता हूँ इतनी जल्दी डेवलपमेंट आपने ली अच्छी, तो बड़ी देर पर डेवलप हुआ है वो तो दिनों में, मैंने प्राइवेट प्रोजेक्ट था, प्राइवेट था, प्राइवेट बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया मियाँ याद साहब ने, वो दिल से काम किया, वो नीयत वाले बंदे हैं। चले अल्लाह ताला बरकत दे जी, और अल्लाह ताला आपको भी और तरक्की दे, हमारी ख्वाहिश है लाहौर में भी, हमारी ख्वाहिश है बल्कि आप एक सोसाइटी ग्वादर जैसी सोसाइटी लाहौर में भी लॉन्च करें। इंशाल्लाह जी हम लोग लाहौर में भी बनाएंगे, सोसाइटी प्लान कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह पहले आपको पता है मुल्की हालात ऐसे थे, अब थोड़े बेहतर होने शुरू हुए हैं, अब हम काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह काम करने वाले लोग हैं, आप काम करेंगे और इंशाल्लाह आप एग्जीक्यूट भी करेंगे इंशाल्लाह। शेख नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज आपने कीमती टाइम दिया है, और आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टील कंपनी मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज का, और हम भी ब्रीद इन पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं और पाकिस्तान के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में हमारे गेस्ट थे। सर ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है जो मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी से दिया है, पाकिस्तान लार्जेस्ट ग्रुप है, और आप जो हमारे आप गेस्ट थे, मुझे बहुत खुशी हुई है ये। थैंक यू वेरी मच जी। शेख साहब आपके लिए भी ये गिफ्ट है मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी से। जी नाज़रीन आपने देखा कि ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में आज शेख नदीम साहब मारूफ शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, नेक इंसान हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने जितनी बातें की यकीन माने कि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, दिल से की उन्होंने, सच्ची बातें की। और इस इंडस्ट्री में शेख नदीम साहब जैसे भी साफ सुथरे लोग हैं, शायद इसलिए ये इंडस्ट्री और पाकिस्तान कायम दायम है। इसके साथ मुझे अगले सफ़र तक के लिए इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाए वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।